गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने के आसार दिख रहे हैं। दावा किया जाता है कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने बागी रुख बना लिया है। हार्दिक पटेल ने खुद को राम भक्त बताते हुए कहा है कि वो सच्चे हिंदू हैं और भगवान राम का मंदिर जल्द बनना चाहिए। दरअसल गुजरात में पाटीदार आंदोलन चलाकर हार्दिक पटेल उभरे थे। वक्त बदला और राहुल गांधी ने हार्दिक पटेल को कांग्रेस ज्वाइन करा दी। कुछ महीनों बाद ही हार्दिक पटेल का मन कांग्रेस से उब गया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस में उनकी हालत ऐसी है कि जैसे दूल्हे की नसबंदी करा दी गई हो। कांग्रेस से होते मोहभंग के बीच कयास लग रहे हैं कि हार्दिक पटेल बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि इस पर कोई बयान हार्दिक पटेल की तरफ से नहीं आया है। पिछले कुछ दिनों से हार्दिक पटेल कांग्रेस आला कमान पर निशाना साध रहे हैं। कुछ समय पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस आला कमान पर अहमियत नहीं देने के आरोप लगाए थे। अब हार्दिक पटेल के सुर और भी तल्ख हो गए हैं। गुजरात के दिव्य भास्कर अखबार को दिए गए इंटरव्यू में हार्दिक पटेल ने गुजरात की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की खूब तारीफ की है। हार्दिक पटेल ने जिक्र किया है कि भाजपा आलाकमान मेहनत करने वालों को मौका देती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनवाने पर भी बीजेपी की सराहना की। हार्दिक पटेल ने कहा कि वो सच्चे हिंदू हैं, वो चाहते हैं कि राम की नगरी में मंदिर बने। हार्दिक पटेल यहीं नहीं रुके। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की। उन्होंने यह भी माना कि कांग्रेस के कई नेता पार्टी से नाखुश हैं और कुछ ने पार्टी छोड़ दी है। हार्दिक पटेल का कहना है कि अब उन्हें भी अपना भविष्य देखना है। हार्दिक पटेल के बयानों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।